पंचायत निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू सक्रिय बन्दै गइरहेका छन्। यसै क्रममा बुधबार नगरकटा ब्लक भाजपा नम्बर 2 मण्डल कमिटीले लुक्सान क्षेत्रका राज्य सरकारको नीति विरुद्ध एउटा र्याली निकाल्यो। लुक्सान बजारबाट निकालिएको र्याली लुक्सान ग्राम पंचायत कार्यालय पुगेपछि त्यहाँ भाजपा कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरे। लुक्सान ग्राम पंचायत कार्यालय अघि विरोध प्रदर्शन गर्दै नगरकटा विधानसभा क्षेत्रका संयोजक अरुण वाइबाको नेतृत्वमा 13 सत्रीय मागका साथै पंचायत प्रधानलाई एउटा ज्ञापन सुम्पिने काम गरियो। उक्त ज्ञापनमा खाने पानी सय दिने काम, अस्पताल लगायतका स्थानीय जनसमस्याहरूको समाधानको माग गरिएको संयोजक वाइबाले बताए। लुक्सान ग्राम पंचायतकै अन्तर्गत विभिन्न समस्याओं को लेकर हम लोगों ने 13 दफा दाबी पेश करते हुए प्रधान को डेपुटेशन देने के लिए आया यहाँ पर, लेकिन प्रधान उपस्थित नहीं है। हम लोगों ने पहले इंटीमेशन दिया चिट्ठी और भाया फोन भी कांटेक्ट किया, उसके बाद दूध भी नहीं है, तो हम लोगों ने सेक्रेटरी को सबमिट किया है। आपका 13 सूत्रीय मांग में आपने क्या क्या समस्या को उठाया? हम लोगों ने 13 सूत्रीय मांग में जैसे यहाँ लुक्सान NH-31 से लेकर लुक्सान बाजार बगान गठिया रोड का हालत इतना ख़राब है, बरसात में तो पूरा यहाँ नाव चलने का जैसे हालत होता है। अभी सूखा का दिन आया है, इतना धुला धुला है, आदमी को चलने के लिए बहुत असुविधा, उसको बना जल्द से जल्द बनाना। हॉस्पिटल निर्माण हो चुका है लेकिन वहाँ पर जो लेबर वार्ड शुरू नहीं हुआ है अभी तक, एम्बुलेंस नहीं है, कोई कुछ होने से रेफर कर देता है, ये समस्या है। आदमी लोग 100 दिन का काम करके बैठा हुआ है लेकिन पैसा अभी तक मिला नहीं है। पैसा बोलने जाने से ये राज्य सरकार केंद्र सरकार को दिखा देता है, लेकिन काम तो हम लोग राज्य सरकार का किया है। उसका बाद में यहाँ पर लाल पुल जो कुजीडाना रिवर में जो था, इतना पुराना लाल पुल टूट गया, 4-5 साल हुआ, ये लुक्सान मोड़ का पूरा व्यवस्था खत्म हो गया। लुक्सान मोड़ से चेंगमारी केरोन धरनीपुर जाने का वही एक ठो रास्ता था, पूरा लुक्सान मोड़ का व्यवस्था खत्म हो गया है, लेकिन वो कोई डिपार्टमेंट आके अभी तक देखा भी नहीं, काम भी शुरू नहीं किया है। ये सब और पूरा लुक्सान में जो पहले स्ट्रीट लाइट था जलता था, अभी स्ट्रीट लाइट सब खत्म हो गया, एक ठो भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। सुनने में बाद में पता चला कि नहीं, बिजली का बिल नहीं दिया है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में को, तो इसीलिए बिजली भी काट दिया। तो ये बहुत समस्या है और उसके अलावा बहुत सारा समस्या है, पीने का पानी का समस्या है यहाँ पर गांव में, पानी घर रास्ता ये सब के बारे में हमारे डिपुटेशन दिले, जैसे कि हमारे गांव में इतना TMC जीत के एक टाइम का नाला भी सफा नहीं हो जाए और पानी का इतना सही है जे तब भी एक बार भी कोनो पार्टी से क्यों नहीं जाएगा। हमारे गांव में हमारे जमला बस्ती में देखे कि हम मोरा थी कि जिया थी, हम लोग पानी बिना कर कैसे हुआ दिन काटा थी, उसे कोनो नहीं जाएगा। कहाँ का पानी खाती से हम इनका ये हम ई लाइन से मतलब एक गांव में पानी दे है ऊपर का डायना से वो एक झरने पानी टाना था ऊपर से हम कभी चोरा भी पड़े खाली बना के छोड़ दे है पानी का। लेकिन हम MLA जगह भी गली, MLA कहे यहाँ GP में नहीं दवा थे तो हमारे कहाँ जाओ कौन जगह जाओ कौन पार्टी कर MLA के वहाँ के लगते हैं हमारे BJP का बोला MLA उठो कहलक जे कि हमरे फंड जे हमरे वहाँ अगर फंड दो तो GP में जाके ये होगी तो GP जे तो मांगे रहा पैसा सिग्नेचर करी तो पास करक, लेकिन उनके तो पैसा देवे पड़ी तो अपना पैसा वो हुआ उनके देवे पड़ी घूस देवे पड़ी हले इन्हें तो होकर कर कैसे पड़ी तो आधा में तो नहीं बना सके। तो उनकर मेन समस्या पानी रास्ता और बहुत गरीब आदमी ऐसा गरीब आदमी ना है वो बनकर मतलब प्लास्टिक धरे नहीं मिले हमारे झमेला बस्ती में ये घर लिस्ट में जो घर सब नाम अलग आ है बड़का बड़का आदमी का नाम गरीब करना गरीब करना के
कोनो गरीब तनक जकर छत ढला है छत घर है ऊपर लेकिन घर है और पानी का इतना मुश्किल है कि हमार झमेला बस्ती में पानी और रास्ता का बहुत मुश्किल है। एक बार तो नहीं क्यों कोनो भी इस कर के हमार झमेला बस्ती में एक बार नजर करा हमरे मर जाती पानी और अथी कर लेकिन कितना असुविधा में आई पानी कर लेकिन केकरो होकर कल में चोरी करके नहाय के ले जाइला खाए के ले जाइला कितना परेशानी है। ठीक है मैं इतना क्या क्या नाम है पंचमी महाली कौन जगह से झमेला बस्ती। ठीक धन्यवाद। ठीक आईलिड क्रीज क्रिएशन और डबल आईलिड सर्जरी और अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी या आप बोल सकते हैं मंगोलियन आईलिड सर्जरी या एशियन आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी ये सब जो टर्म है एक ही टर्म है। आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि जो अपर आईलिड है उसमें अगर आपके क्रीज नहीं है तो हम लोग इस क्रीज को क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर को हम लोग डबल आईलिड सर्जरी या एशियन आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। ये जनरली आप देखेंगे जो हमारे जो मंगोलियन फेसेस हैं में जैसे कि जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपने दार्जिलिंग और सिक्किम और नेपाल के लोग हैं या इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं उनके जो अपर आईलिड है उस पर क्रीजेज नहीं होते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसके द्वारा कि हम ये क्रीज क्रिएट करते हैं आपकी जो फेस है उसका जो ब्यूटी है उसको हम लोग इन्हांस कर सकते हैं। एलिट सर्जरी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है डे केयर प्रोसीजर में हो जाता है बहुत ही लो कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे करते हैं और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस मिनिमम हैं और आप रूटीन एक्टिविटी सेकेंड डे से ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक छोटी सी सर्जरी से अपने चेहरे का जो ब्यूटी है या जो पेरी ऑर्बिटल रीजन जो आइज की जो ब्यूटी है उसको आप इन्हांस कर सकते हैं। मैं आपको अपने कुछ रिजल्ट्स के बारे में दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इसमें जो पहले का जो फेस है जस्ट यू कैन सी ये पहले का फेस है और ये बाद का फेस है दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमने आईलिड सर्जरी इसमें की है। तो आईलिड सर्जरी करने के बाद जो फेस का जो डलनेस या जो हैवीनेस दिखता है पहले वो ख़त्म हो जाता है मीन्स आप मोर यूथफुल और मोर यंग दिखना शुरू होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है यह सर्जरी कराने में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।